And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials.

विमेन इशूस तो इस आर्टिकल का थीम क्या है सेंट्रल पॉइंट क्या है पहले वो समझते हैं तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर हो रही है पिछले कुछ सालों से कम से कम पिछले दो डिकेट से बीस सालों से इंडिया लगातार इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है विमेन का एजुकेशन लेवल भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी वीमेन का इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन जिसके लिए टेक्निकल टर्म है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो नहीं बढ़ पा रहा है सरल शब्दों में कहें तो वीमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रही ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है विमेन का एजुकेशन लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है बट फिर भी फीमेल का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे हमने आपको डाटा दिया है सेंसस 2011 का एंड उसको कंपेयर किया गया है विथ सेंसस ऑफ 2001 एंड सेंसस ऑफ 1991 इसके हिसाब से अगर हमें पता चलेगा कि हर एक सेगमेंट में हर एक 10 सालों में चाहे वो मेल या फीमेल रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़ हों हर जगह जो लिटरेसी का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ अगर अर्बन फीमेल की बात करें तो 1991 में 64 परसेंट था लिटरेसी फिर वो बढ़ के सेवेंटी परसेंट हुआ 2011 में 79 परसेंट हुआ अगर रूरल फ़ीमेल की बात करें तो वो भी बढ़ाया फ्राम थर्टी परसेंट टू 46 परसेंट टू फिफ्टी तो एक बात तो तय है कि लिटरेसी लेवल वीमेन की कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी वीमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने के बजाय उल्टा घट रहा है ये अपने आप में एक पिक्यूलियर फैक्ट है जब वीमेन की लिटरेसी ले ले लेवल बढ़ रही है और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो वीमेन का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ना चाहिए और ओवरऑल उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही बढ़ना चाहिए लेकिन डाटा कुछ और ही कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने बताया जो एन ने कंडक्ट कराया था टू थाउजेंड उसने बताया कि 2011 से लेकर के 2019 में रूरल एरियाज़ के अंदर फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 35 परसेंट से घटकर ट्वेंटी परसेंट हो गया मतलब जितनी विमेन ओवरऑल अगर मान लो सौ औरतें हैं तो उनमें से पहले 35 परसेंट काम करती थीं 2011 में और 2019 तक वो घट करके 26% परसेंट हो गया अर्बन एरियाज़ में ये घटा तो नहीं है लेकिन इट हैज़ रिमेंड स्टैगनेंट मतलब बढ़ा भी नहीं है इन टेन ईयर्स ओवरऑल आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं देखो 2004-5 में ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया है उसमें भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे का ये डाटा है हमारे पास 2004-5 में रूरल एरियाज़ में लगभग 49 परसेंट वीमेन जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी और अर्बन एरियाज़ में ट्वेंटी फिर वो 2009-10 में वो घट गया रूरल एरियाज़ में 49 परसेंट से घट के 37 हो गया जबकि अर्बन एरियाज़ में 24 से घट के 19 हो गया 2011-12 में फिर से घटा है 2017-18 में जो लास्ट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कराया गया था तो उसमें फिर से हमने देखा कि वीमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ है रूरल एरियाज़ में तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हुआ थर्टी फाइव परसेंट से घट के ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर परसेंट अर्बन एरियाज़ में भी थोड़ा सा कम हुआ ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट से घट के ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट तो ये अपने आप में एक पिकुलर फैक्ट है जब देश ग्रो कर रहा है इकनॉमिकली और जब वीमेन की लिटरेसी लेवल बढ़ रही है स्किल बढ़ रही है तो वीमेन की इंप्लायमेंट भी बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है हम दुनिया के कुछ एक सबसे पिछड़े हुए देशों में आते हैं एज एज आवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज कंसर्न ओनली नाइन कंट्रीज़ हैव लोअर लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट दैन इंडिया इंडिया का लगभग 23 24 ट्वेंटी फोर परसेंट है उससे पीछे सिर्फ़ इजिप्ट मोरक्को सोमालिया ईरान नाइजीरिया जैसे कंट्रीज़ हैं ये सब काफ़ी बैकवर्ड और खासकर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो सिस्टम काफ़ी कंजर्वेटिव है वहीं पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया से कम है अगर ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भी इंडिया की फीमेल पार्टिसिपेशन के हिसाब से रैंकिंग काफ़ी पीछे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है उसमें इंडिया की रैंक है 149 आउट ऑफ 153। जेंडर गैप रिपोर्ट में बताया जाता है कि वेमेन और मेन के एवरेज लाइफ में कितना अंतर है कितना गैप है और इंडिया उसमें बहुत पीछे है उसके अलावा अगर हम जेंडर वेज गैप की बात करें तो उसमें इंडिया हाईएस्ट नंबर पे है इन एशिया जेंडर वेज गैप का मतलब है कि एक ही काम करने के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन के एक मेल और फीमेल को वेजेज में कितना अंतर होता है मान लो सेम क्वालिफिकेशन का एक एम्प्लॉई है जो मेल है और सेम क्वालिफिकेशन की एक फीमेल है जो ऑफ ऑफकोर्स एम्प्लॉई है और दोनों की क्वालिफिकेशन uh, सेम है दोनों सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं फिर भी ऑन एन एवरेज फीमेल इम्प्लॉयज़ को 34 परसेंट कम सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल इम्प्लॉयी अकॉर्डिंग टू एन ऑक्सफैम रिपोर्ट ये सब अगर डाटा आप कोट कर पाएं आंसर में इफ़ ए क्वेश्चन इजास्ट ऑन सोशल इशूज़ तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि विमेन के अगेंस्ट अभी भी इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है इंडिया में खासकर इक्वालिटी इनक्वालिटी और इस कारण से वीमेन जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उनकी काफ़ी ऑलरेडी कम है तो अब जरा समझते हैं कि क्या एक्चुअली कारण है बिहाइंड डिक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक तरफ इकोनॉमी ग्रो कर रही है उनकी लिटरेसी लेवल फीमेल की बढ़ रही है फिर भी फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रही है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है तो इसके पीछे पहला कारण हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन पिछले कुछ सालों में हाल फिलहाल में तो कम से कम खासकर इकोनॉमी उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाई है ऑन एन एवरेज जिस रफ्तार को इकोनॉमी ने मेंटेन किया था आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 पिछले चार पाँच सालों की बात की जाए तो आ, ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन डिसेंट और खासकर लॉकडाउन के बाद तो इस साल तो ग्रोथ रेट तो निगेटिव में चल रहा है ये तो आपको पता ही है तो इस कारण से जो टू थाउजेंड में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे uh, किया गया था 2017-18 में किया गया था इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो होगा स्लो ग्रोथ रेट वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उसके अलावा जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लैक ऑफ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड रूरल वीमेन तो देखो दिक्कत क्या हो रही है अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब विमेन को एजुकेशन मिल रहा है लिटरेसी लेवल बढ़ रही है तो अब इस कारण से हो क्या रहा है कि उनके स्किल के हिसाब से उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है पहले कैसा था कि वो खेतों में काम कर लेती थी अनस्किल्ड काम कर लेती थी लो लेवल का लो ग्रेड के जॉब्स कर लेती थी लो वेजेज या लो पे ग्रेड वाले जॉब्स कर लेती थी लेकिन अब जब वो क्वालिफाई क्वालिफिकेशन वो अचीव कर रही हैं जब लिटरेसी बढ़ रही है तो अब वो वैसे काम करना नहीं चाहती हैं जिसमें लो मेकेजेशन है लो पे ग्रेड है और हायर लेवल की जो जॉब्स हैं जिसमें हायर स्किल चाहिए वो उनके पास है उसके बावजूद भी वो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो इस कारण से फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ख़ासकर रूरल एरियाज़ में वो कम हो रहा है क्योंकि अब उनके हिसाब से अब पढ़ लिखने के बाद आप अब अक्सर आप देखते होंगे कि जो इंसान थोड़ा पढ़ लिख जाता है वो लो पे ग्रेड का जॉब नहीं करता है वो अब, अब रिक्शा पुल करना नहीं चाहेगा या कि इस तरह का जॉब नहीं करना चाहेगा तो इस चक्कर में होता क्या कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है इसी तरह का कुछ इशू निकल के आ रहा है रूरल एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेकर के उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होने के का कारण देखो पहली चीज़ तो हमने देख ली कि लिटरेसी के बावजूद भी वीमेन के लिटरेसी के बावजूद भी उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम क्यों हो रहा है वो हमने समझ लिया अब दूसरा हम समझ रहे हैं कि देखो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम क्यों हो रहा है तो देखो आ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण कैसा है कि शहरों में नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं नई नई इंडस्ट्रीज़ के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होने के कारण गाँव के जो यूथ हैं मेल मेंबर खासकर जो गांव के हैं वो शहरों में जाकर के कमा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं ठीक ठाक सा और इस कारण से गांव में जो उनकी फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं जो उनकी बहनें हैं या वाइफ्स हैं जो भी फीमेल फैमिली मेम्बर्स हैं अब वो गाँव के खेतों में जाकर के काम करना पसंद नहीं कर रही हैं लो क्वालिटी लो पे ग्रेड जॉब काम करना पसंद नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके फैमिली का जो मेल मेंबर है वो शहरों में जा के अच्छा पैसा ठीक ठाक सा पैसा कमा रहा है तो ये दो कारण हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि लिटरेसी बढ़ी है उसके बावजूद भी आ, फीमेल का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स कम हुआ है इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके बावजूद भी फीमेल का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स वो कम हुआ है ये सवाल सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आखिर फीमेल का क्यों घट रहा है हम एशिया में सबसे पीछे चल रहे हैं पाकिस्तान से भी पीछे चल रहे हैं और कारण यही है कि फीमेल जो हैं वो पढ़ लिख गई हैं इस कारण से वो लो ग्रेड जॉब्स करना नहीं चाह रही और हाई ग्रेड्स की जॉब्स अभी अवेलेबल हैं नहीं उसमें इंटेंस कंपटीशन है अब जरा ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि आखिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का क्यों बढ़ाना चाहिए उससे फ़ायदा क्या होगा तो देखो अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे मतलब औरतों को ज़्यादा ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी तो ऑफकोर्स उससे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल अब्यूज ये सब चीज़ें घटेंगी जेंडर गैप कम होगा यानी कि फीमेल और मेल के लाइफ में ओवरऑल जो गैप है वो थोड़ा कम होगा और खासकर तीसरा फैक्टर है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जेंडर गैप पे थोड़ा और बात कर लेते हैं ये देखो एक डाटा पब्लिश किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ने इस डाटा में आप साफ साफ देखो कि जहाँ पे भी जैसे जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वहाँ पे फिर जेंडर गैप कम हो रहा है जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल के लाइफ स्टाइल में ज़्यादा अंतर नहीं है जहाँ पे भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है यानी कि फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट कम है वहाँ पे फ़ीमेल की लाइफ स्टाइल भी काफ़ी ख़राब है उनकी एम्पावरमेंट भी काफ़ी लेस है उनकी पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक पावर या हेल्थ एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी कम है और जैसे जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मतलब वीमेन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं तो जेंडर गैप कम होता जा रहा है आप देख सकते हैं साफ साफ ये ग्राफ तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगर हमें फीमेल और मेल के लाइफ में गैप कम करना है मतलब जेंडर गैप को रिड्यूस करना है तो हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना ही चाहिए उसके अलावा फ़ीमेल ओवरऑल लगभग 50 परसेंट पॉपुलेशन होल्ड करती है किसी भी देश का इंक्लूडिंग इंडिया मोर और लेस कोर्स 50 परसेंट से थोड़ा कम है बट ऑन एन एवरेज वो 50 परसेंट पॉपुलेशन होल्ड करती हैं और अगर इनको हम लोग प्रॉपर तरीके से इनको इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करें दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग 50% परसेंट ऑफ आर ह्यूमन रिसोर्स विदाउट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग इट अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से ट्रेन करें स्किल डेवलपमेंट करें और उनको इकोनॉमी में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो हमारे इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है जी डी पी ग्रोथ आ सकता है इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको यह प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन आर्टिकल स्टार्ट करिएकेंड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट इट इज़ अबाउट डी जी यंत्रा दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली द सब सेगमेंट स्पेस सेक्टर तो करंट न्यूज़ समझते हैं तो so, देखो कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने स्पेस फील्ड में प्राइवेट फॉर्म्स को इन्वाइट किया था कि वो इसरो के साथ मिल करके जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है इसरो उसके साथ मिल करके कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स करें प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया गया था ताकि इसरो को थोड़ी मदद मिले रॉकेट बनाने में या सैटेलाइट्स बिल्ड करने में इसरो को थोड़ा प्राइवेट एजेंसी से मदद मिले और हमारे देश में भी प्राइवेट कंपनियों का एक ईको एक बिल्ड हो इन द फील्ड ऑफ स्पेस जैसे आपको पता है कि फ़ॉरन में यू के अंदर कैसे अमेजन या स्पेस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज हो करके भी वो वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी नासा को बहुत ज़्यादा कैपेबल ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं तो इसी तरह का इकोसिस्टम इंडिया में भी भारत सरकार बनाना चाहती थी और इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने इसरो को सपोर्ट करने के लिए इसरो के, के साथ एक ज्वाइंट करना शुरू किया ज्वाइंट प्रोजेक्ट लाया और अब इस डीजी जो इंडिया की पहली प्राइवेट इस, आ, स्पेस कंपनी है इसने डेवलप कर दिया है इन ऑर्बिट स्पेस डेबरिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम तो देखो अर्थ जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं स्पेस की तरफ जाते हैं स्पेस में काफी सारा ये डेबरिस फैला हुआ है मलवा फैला हुआ है डेबरिस डेबरिस या स्पेस जंक होता क्या है डेब्रिस और स्पेस जंक की जो ह्यूमन मेड डिफंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमने मान लो कभी सैटेलाइट बनाया था कभी कोई रॉकेट बनाया था वो स्पेस में भेजा जब एक बार उसने काम करना ख़त्म कर दिया या वो डिसमेंटल हो गया तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है जो स्क्रैप मटीरियल है जो कचरा है वो स्पेस में इस तरह से फैल जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेबरिस इससे नुकसान क्या होता है कि वो रॉकेट्स में या सैटेलाइट्स के अंदर घुस जाता है और उसके पार्ट्स को तोड़ देता है और उससे वो हमारे जो फंक्शनल रॉकेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं उनको भी खराब कर देता है इस कारण से जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करें या रॉकेट लॉन्च करें तो इन डेबरिस को मोनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ जहाँ पर डे डेबरिस है उस पाथ को अवॉइड करते हुए हमारा रॉकेट चले ताकि उसको कोई डेबरिस के कारण नुकसान ना हो तो डेबरिस मोनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेब्रिस मोनिटर एंड ट्रैकिंग इज इंपोर्टेंट और इसी को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है डीजी ने इन कोलेबोरेशन विद इसरो और इस डेबरिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है लीडार टेक्नोलॉजी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी लीडार टेक्नोलॉजी तो जरा समझते हैं कि लीडार टेक्नोलॉजी है क्या देखो लिडार नाम से जैसा आपको पता चल रहा है लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग मेथड है मतलब दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेने वाला मेथड है, है इसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग मेथड इसकी अप्रोच या टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल है इसमें क्या करेंगे हम एक लेजर लाइट ऐसे इमिट करेगा ये लीडार जो सिस्टम होगा किस तरह का लेजर लाइट भेजेगा ये लेजर लाइट जा करके के किसी एक सरफेस से टकराएगा फिर वहाँ से ये लेजर लाइट रिफ़्लेक्ट होकर के आएगा और यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा और इससे होगा क्या कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर डिस्टेंस विल बी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम जितना टाइम लगा था ये लाइट को यहाँ से जाकर के वापस लौट के आने में उसको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ, उसको दो से डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस लीडार इक्विपमेंट एंड दिस रिफ्लेक्टर सर्वेस सरफेस क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है तो ये डिस्टेंस को इसने दो बार कवर किया और इस तरीके से इस कारण से यहाँ पर इसको दो से डिवाइड करने पर हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चल जाता है बिटवीन दीज टू सरफेसेस इस तरीके से लीडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करने का और इस लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये स्पेस डेबरिस को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्पेस डेबरिस है और इस तरीके से स्पेस डेबरिस एंड मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग की जाएगी अभी इससे क्या क्या और फ़ायदा हो सकता है इसके स्पेस इस ये जो लिडार टेक्नोलॉजी है उसका और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से ओशन का डेप्थ का पता लगाया जाता है कि ओशन के अंदर किन किन जगहों पे कितनी गहराई है लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज जैसे फाइटो वगैरह उनकी डेंसिटी पता लगाई जाती है लीडार टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में रोड में बनाने में बिल्डिंग्स बनाने में ब्रिजेज बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लीडार टेक्नोलॉजी को देखो जैसे कि आप ये ब्रिज देख रहे हो तो रात के टाइम में लिडा टेक्नोलॉजी की मदद से एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर पता लग जाता है लीडा ये लेजर लाइट डाला जाएगा लेजर लाइट डालते ही ये पूरा ब्रिज क्या स्ट्रक्चर है रोड का क्या स्ट्रक्चर है वो सब कुछ पता चल जाता है और इसकी मदद मतलब से फिर बहुत ही आसानी से ये पूरा डायग्राम बन जाता है और डायग्राम बनने के बाद हम लोग नया जो भी कंस्ट्रक्शन करना है रोड का रेलवे का वो कम से कम पेपर पर पे प्लानिंग अच्छे से कर लेते हैं देन वी आर एबल टू तो एग्जीक्यूट इट तो मतलब थ्री जो इमेज बनाने में ये लीडार टेक्नोलॉजी काफ़ी मदद करता है अभी देखो ये लिडार टेक्नोलॉजी से ऐसे ग्राउंड में कहाँ पे पहाड़ है कहाँ पे नदियाँ हैं वो सब पता लग जाता है एक इस तरह का अनमैंड एयर वैकिल होगा या मैंड एयर वैकिल होगा उसमें हम लोग लिडार की मदद से लेजर भेजेंगे और अलग अलग जगहों का कितना एलिवेशन है वो भी पता कर लेंगे लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो मान लो कभी फॉग है या फिर क्लाउड है वैसे टाइम में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ऑफकोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजन अगर यहाँ पर क्लाउड है तो ये टेक्नोलॉजी का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्लीज़ अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट इट इज अबाउट वर्ल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सेगमेंट पेपर 4 बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू सो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं तो देखो हमारे देश में वल्चर्स का पॉपुलेशन सडनली 1990 ऑनवर्ड्स घटने लगा था और 2006 तक लगभग 90 परसेंट हमारे वल्चर्स खत्म हो गए थे फिर जब और इन्वेस्टिगेशन की गई पता लगाया तो गया तो पता चला कि हमारे देश के अंदर जो एनिमल्स के लिए कैटल्स के लिए एक तरह का ड्रग्स यूज किया जाता है पेन किलर यूज किया जाता है जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक और ये डाइक्लोफेनाक के कारण वल्चर्स की डेथ हो रही है एट मास स्केल जरा देखते हैं कैसे देखो डाइक्लोफेनैक इज अ काइंड ऑफ पेन किलर फॉर कैटल्स गाय का एक पेन किलर है जो यूज किया जाता था जब भी इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी कारण से इनके बॉडी में सूजन हो जाए तो इनको डाइक्लोफेनेक दिया जाता था अब दिक्कत क्या है कि जब ये गायें मर जाती थी तो इनको इस तरीके से डिकम्पोज कर दिया जाता है किसी सेक्लूटेड एरिया में और इसको फिर वल्चस खा खा करके पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं डिकम्पोज कर देते हैं सेग्रीगेट कर देते हैं तो यही प्रॉपर मैकेनिज्म है लेकिन अभी जब डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन लगा दिया गया स्केटल के अंदर तो इसकेटल के बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनाक है और जब एक बार ये इसकी डेथ हो गई और इसको वल्चर्स ने खा लिया तो वल्चर्स के अंदर भी डाइक्लोफेनाक चला गया अब ये डाइक्लोफेनाक वल्चर्स के ऊपर निगेटिव तरीके से इंपैक्ट कर रहा था वल्चर्स की किडनी फेल हो जा रही थी बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक और इस कारण से नाइनटीन से लेकर के टू तक के बीच में नाइन्टी तक जो वल्चर्स है उनकी डेथ हो गई थी इंडिया के अंदर वल्चर्स की बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से कम हो रही थी तो फिर 2006 में जब इस चीज का पता लग गया तो भारत सरकार ने सबसे पहले तो डाइक्लोफेनक को बैन कर दिया फॉर कैटल यूज फॉर अगेंस्ट द कैटल्स इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स उसके अलावा भारत सरकार ने वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया यह वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2006 में लाया गया था जो 2020 तक चलने वाला था अब करंट न्यूज़ यही है कि यह वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2020 तक चलने वाला था उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है वल्चर्स की पॉपुलेशन हमारे देश में स्टेबलाइज हो गई है लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फैसला लिया है कि वो आगे इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे और अब इस प्रोग्राम का नाम होगा वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम टू जीरो और यह प्रोग्राम आने वाले पांच सालों तक चलेगा फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और आने वाले इन पांच सालों में अब फोकस किया जाएगा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन को अब बढ़ाया जाए पहले फेज में कैसा था वल्चर के पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर दिया गया कि चलो अब आगे इससे कम नहीं हो रहे हैं हर चार साल पे वल्चर्स की पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है तो मोर लेस वल्चर्स के पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो गई अब वो कम नहीं हो रही है लेकिन आने वाले पाँच सालों में इन वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम टू पॉइंट जीरो अब फोकस किया जाएगा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन अब बढ़ाई जाए धीरे धीरे तो सवाल ये उठता है कि आखिर वल्चर के पॉपुलेशन को बढ़ाने की जरूरत क्या है वाई डू वी नीड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर मर रहे मरने दो वाई डू वी नीड टू स्टेबलाइज इंक्रीज़ द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर तो जरा समझते हैं एक बात तो आपने पहले बेसिक अपने बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में या कहीं भी जरूर पढ़ रखा होगा कि हर एक जानवर जरूरी होता है हर एक फ्लोरा फ्लोराफोना जो हम अपने आसपास में देखते हैं जो हमें देख के लगता है कि मीनिंगलेस हैं चाहे वो बटरफ्लाई हो आजकल आप देखते हैं बटरफ्लाई ख़त्म होते जा रहे हैं जुगनू ख़त्म होते जा रहे हैं हमें लगता है कि खत्म हो रहे तो हमें क्या रैड्स कम हो रहे हैं तो हमें क्या लेकिन हर एक फ्लोरा फ्लोराफोना का हमारे लाइफ पर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वैसे ही वल्चर्स का भी हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट है पहले जब वल्चर्स ख़त्म हो रहे थे तो पंद्रह बीस सालों तक सरकार का भी अप्रोच यही था ठीक है खत्म हो रहे हैं होने दो लेकिन जब निगेटिव इम्पैक्ट आने लगा ह्यूमन लाइफ के ऊपर तब फिर सरकार ने कुछ पॉजिटिव प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए ताकि वल्चर की पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से रोका जाए तो जरा जरा देखते हैं कि वल्चर की पॉपुलेशन कम होने से हमारे जीवन में क्या असर पड़ सकता है और क्या असर पड़ रहा था एक्चुअली भी तो जब वल्चर्स की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस डाइक्लोफेनाग तो अब वल्चर्स कारकास को जो मरे हुए कैटल्स थे इनकी बॉडी को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी तो अब जब वल्चर्स इनको खा नहीं पा रहे थे तो धीरे धीरे फिर इनको डॉग्स ने खाना शुरू कर दिया जो स्ट्रेट डॉग्स होते हैं जो इस तरह के स्ट्रेट डॉग्स होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं आवारा कुत्ते उन्होंने इन कारकास को मरे हुए जानवरों को खाना शुरू कर दिया कैटल के डेड बॉडी को खाना शुरू कर दिया और इन कैटल के डेड बॉडी को खाने से हुआ क्या कि ये कुत्ते धीरे धीरे फेरल होने लगे मतलब इनके अंदर रैबीज इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है पागल होने लगे उन्हीं कुत्तों को हम कहते हैं कि ये है पागल कुत्ता जिसके अंदर रैबीज इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कुत्ता पागल हो गया है और जब वो रेबीज़ इन्फेक्शन हो जाता जब वो फेरल डॉग हो जाता तो फिर वो लोगों को काटना शुरू कर देता और इस तरह के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे जब फेरल डॉग्स आर स्टार्टेड टू बाइट ह्यूमन बींग्स और इस कारण से रेबीज़ इन्फेक्शन के कारण कई सारे लोगों की डेथ होने लगी थी तो जब इंक्वायरी की गई कि इतने सारे रेबीज़ डॉग्स क्यों बढ़ रहे हैं तब हमें पता चला कि दिस इज़ द लिंक क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है वल्चर्स की कम हो रही है तो ये डॉग्स जो हैं वो कार्काशेस को खा खा करके फेरल हो रहे हैं और इस कारण से इंसानों को ये काट रहे हैं तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जानवर के कम होने का इंपैक्ट हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है एंड दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू कीप आवर बायोडाइवर्सिटी इन जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो लाइफ के अंदर जो भी जानवर हैं आसपास में सबकी पॉपुलेशन बनी रहे ना बहुत ज़्यादा बढ़े ना बहुत ज्यादा कम हो दैट इज द सिग्निफिकेंस दैट इज वाई वी आर सो मच कंसर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी क्योंकि उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर डायरेक्टली अनडायरेक्टली जरूर पड़ता है अब जरा देखते हैं वल्चर्स के बारे में जरा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो समझ लेते हैं देखो वल्चर्स के टोटल नाइन स्पीसीज हैं उन नाइन स्पीसीज के सबके सब नाम आपको याद नहीं रखने हैं लेकिन कम से कम चार इनमें से जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनके नाम आप याद रखो ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर स्लेंडर बिल्ड वल्चर लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर दीज फोर आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनके नाम याद रखो एक बार सबके इमेजेज देख लेना एक उसमें से इंडेंजर्ड है और बाकी तीन नियर थ्रेटेन्ड हैं और एक लीस्ट कंसर्नड है द नेक्स्ट आर्टिकल सेकेंड फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज अबाउट पिंसर कैटेटिक सिस्टम दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो न्यूज आर्टिकल समझते हैं आई आई टी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम दिया है इन्होंने पिंसर कैटेलेटिक सिस्टम इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो इंडस्ट्री के अंदर बायोमास वेस्ट होता है उसको इम्पॉर्टेंट केमिकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसा केमिकल जिसका हमारे लाइफ में यूज है इस देखो जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनसर कैटलैटिक टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का कोई हमारे जीवन में फ़ायदा नहीं है इसलिए हम लोग इसको डंप कर देते थे अब इस ग्लिसरॉल को कन्वर्ट किया जा सकता है लैक्टिक एसिड में और हाइड्रोजन में आपको पता होगा लैक्टिक एसिड का, का इस्तेमाल किया जाता है टू तो ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स हाइड्रोजन तो आपको पता ही है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक फ्यूल्स फॉर द रॉकेट्स उसके अलावा इस कैटलेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायो इथेनॉल को कन्वर्ट किया जा सकता है ब्यूटानल में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बायो इथेनॉल की ये भी फ्यूल है बायोथेनॉल भी एक तरह का फ्यूल होता है जिसको हम लोग अपने पेट्रोल या डीजल के साथ ब्लेंड करके फ्यूल में इसकी तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी इफिसियंसी इतनी नहीं होती है लेकिन उसको अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से ब्यूटानॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसकी इफिसियंसी अच्छी है ऑफकोर्स पेट्रोल भी एक तरह का ब्यूटानॉल ही है तो अब समझो तो बायो इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी की मदद से पिंसर कैटलेटिक टेक्नोलॉजी के मदद से इंडस्ट्रियल वेस्ट को अब कम किया जा सकता है उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा In our segment most probable pt topics for upcoming APC today we'll cover topic number 193 to 195 topic number 193 is about dwijing festival the festival starts at ai river in uh, 2016 17 to promote the river tourism in the rural areas of the bodoland territorial council the name was officially changed to dwijing in 2017 dwijing name of the ai river is in bodo language तो आए रिवर को बोडो लैंग्वेज में दुझि करते हैं इसलिए इसका नाम दुझि कन्वर्ट करके रख दिया गया था टू थाउजेंड सेवेंटीन फिज दिस टॉपिक नंबर हंड्रेड नाइन थ्री टॉपिक नंबर हंड्रेड नाइनटी फोर इज अबाउट मृदुल हजारी का पैनल द स्टेट गवर्मेंट ऑफ आसमस्टिट्यूट मृदुल हजारी का पैनल टू मेक रिकमेंडेशन टू रिवाइव टी इंडस्ट्री इन आसम द रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल हैज़ बीन सबमिटेड टू सीता सीता अपने नाम जरूर सुन रखा होगा स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग जैसे सेंट्रल लेवल पर थिंक टैंक है भारत सरकार की नीति आयोग वैसे स्टेट लेवल पर आसाम सरकार की थिंक टैंक है सीता प्लीज अटैप्ट दिस क्वेश्चन दर इज बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर हंड्रेड नाइन्टी फोर टॉपिक नंबर हंड्रेड नाइन्टी फाइव इज अबाउट सीतल पार्टी सीतल पार्टी इज़ अ काइंड ऑफ़ मैट एक तरह की चटाई है जो काफ़ी ठंडी रहती है गर्मी के दिनों में भी इट इज़ मेड फ्रॉम मूर्ता प्लांट्स और ज़्यादातर ये बांग्लादेश में बनती है लेकिन कुछ एक जगह में आसाम के अंदर भी बनती है खासकर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के जहाँ कालियागंज एरिया है वहाँ पे यह बनती है शीतल पाटी और पाटिकार कम्युनिटी जो है करीमगंज के देआर मोस्टली इन्वाल्व इन मेकिंग दिस शीतल पार्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ यूनेस्को इन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्लीज एडेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर हंड्रेड दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड नाइंटी टू हंड्रेड नाइटी फोर दट वी आर गिवन य स्टडीज न्यूज पेपर अनालिसिस टूडेज क्वेश्चन कैन बी एटेंड बाई स्टूडेंट्स एंड यू कैक सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन वी विल शेयरिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन टू मोरोज न्यूज पेपर अनालिसिस कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे उसका जरा एक बार आंसर देख लेते हैं राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल आर्टिकल अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट आर ट्रू नेशनल आयुर्वेदा दे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन थर्टी नवंबर नो इट्स रॉन्ग इट इज सेलिब्रेटेड ऑन डे ऑफ धनतेरस आयुर्वेद इंस्टीट्यूट हैज बीन हैजी इन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जामनगर एंड जयपुर यहाँ तक तो ये सही है बट बोथ ऑफ देम हैव बीन डिक्लेर्यर एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये गलत है सिर्फ जामनगर वाला को ही डिक्लेयर किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग जो तीसरा सवाल था दैट वॉज अबाउट विच आर द फॉइंग कंट्री डज नॉट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसमें जापान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बाकी तीनों के साथ नहीं है सो द करेक्ट आंसर विल बी वन थ्री फोर ऑनली दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग